नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीओडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बार बार वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि सर जो जनरल टेस्ट का पेपर हुआ है उसका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। मेरे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चों के मुझे डीएम मैसेज मिले। सो फाइनली आज आपके डिमांड पे जनरल टेस्ट में कितना मार्क्स लाने पे या कितना क्वेश्चन सही करने पे आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फाइनली एक सेफ मार्क्स को जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो बच्चे भी पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल साथ ही साथ एनालाइज वीडियो मिलता है जो आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर बीएचयू पाठशाला पे, इट मींस कि इस चैनल पे जो कि अब हो चुका है सीयूटी पाठशाला, सबसे ज्यादा ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट दिखाई गई थी। इस बार भी जब कट ऑफ रिलीज होने लगेंगे तो आपको ऑफिशियल लेवल पे ऑफिशियल कट ऑफ दिखाए जाएंगे जो कि यहाँ भी पॉसिबल है। तो ऐसे में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हाँ जो एक्सपीरियंस है, जो एनालिसिस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कारगर और बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपका एक जनरल टेस्ट का कोड है COQP11 जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें कम से कम कितने मार्क्स और कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने पे आपका आपका डिजायर्ड और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है आपके रिगार्डिंग कोर्सेज में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपके जो कोर्स कोड है, इस कोड को कितने यूनिवर्सिटीज और कितने कोर्सेज ने एड किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सच है, इनका जो ऑफिशियल बुलेटिन का जो पूरा पीडीएफ था उसमें 199 से लेके 240 प्लस पेजेस पे बस यही कोड दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि लगभग 260 जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कोर्सेज हैं, ये यूनियन कोर्सेज हैं, मतलब अलग अलग नहीं है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में रन करने जा रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स के माध्यम से, इस पर्टिकुलर कोड के माध्यम से। अगर अभी भी आपने मेरी बात को नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि 260 कोड को 260 यानी 260 टाइम्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स और अलग अलग कोर्सेज में यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे लॉ है तो लॉ लगभग मान लो कि 20-30 यूनिवर्सिटी में रन कर रहा है, तो 20-30 यूनिवर्सिटी को ऐड करके बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे एक ही कोर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐड किया जा रहा है, तो इस तरीके से टोटल जो हो जाता है वो 260 हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और इतने बड़े अमाउंट होने के बाद जो कटा वीडियो बनाना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, थोड़ा कठिन हो जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि पैनिक नहीं होना है। बेसिकली ये नहीं कि आपको जो बता दिया पत्थर की लकीर है, आज वाले वीडियो में पत्थर की लकीर नहीं है, फिर कभी मैं बात करूंगा जब मैं बोलूंगा कि जो बोला यही सच है और ये पत्थर की लकीर है, ठीक है। तो आज मैं जो कहूंगा वो थोड़ा सा झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ये कट ऑफ एनालिसिस वीडियो है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, बनाया गया है एनालिसिस पे। देखो यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CUET पीजी के माध्यम से इस पर्टिकुलर जनरल टेस्ट में अगर आप एडमिशन के कोर्स के माध्यम से एडमिशन लेने जा रहे हो तो जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है आपका BHU DU, जो कि सबसे टॉप पे है, जो बार बार फेमस हुआ। और किसके लिए फेमस हुआ? वो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ, और ये है LLB 5 इयर्स, नहीं 3 इयर्स, यानी कि ये LLB 3 इयर्स के कोर्स की वजह से ही जो जनरल टेस्ट का पेपर था वो हार्ड आया था, मैथ्स ज्यादा आए थे, यही रीजन है। क्योंकि वो लोग LLB के पेपर का जो एक लेवल है वो मेंटेन करने की कोशिश की। अगर ये LLB को सेपरेट कोड दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, जो 4 सेक्शंस थे, वो ये लोग नहीं बिगाड़ेंगे। जाहिर सी बात है इन्होंने पेपर को बिगाड़ा है, पेपर ऐसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जनरल मेंटेलिटी से गए थे एग्जाम को देने, उन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड से आगे एग्जाम दिया हुआ है, और ऐसे में आप अगर उन्हें एडवांस और अर्थमेटिक मैथ्स के पेपर दोगे तो वो बच्चे जो है वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये बायस्ड पेपर मेकिंग हुआ, NTA ने इसमें गलती करी है। बेसिकली मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आपको भी दर्द है, पेन है, पीड़ा है तो आप जरूर रिपीट करें, जिससे NTA को रियलाइज हो कि हाँ आपने पेपर गलत बनाया था।
आइए हम लोग बात करते हैं कि BHU में बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स से कितने कोर्सेज रन कर सकते हैं, जैसे कि MSW, MBMIR, IRTM, MASCOM, BLEED, उसके साथ साथ भी कम से कम अभी बचे हुए 5-6 कोर्सेज और जो कि इस पर्टिकुलर पबैक भी है, जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स से अपने यहाँ बस BHU एडमिशन दे रहा है। ऐसे ही DU अलग अलग में देगा, उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू देगा, झारखंड देगा, लगभग कई सारे 10 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बस जो इस कोर्स से एडमिशन देने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ मेकिंग का प्रोसेस समझ लो। पहले कट ऑफ मेकिंग में आपको ये जानना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो इनके पास टोटल क्वेश्चंस थे 100। ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, यानी एक सही करने पे मिलेंगे 4 और एक गलत करने पे मिलेगा आपको 1/4 या -1। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल जो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है वो। अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 × 4 हो जाएगा 400। 400 नंबर का ये पेपर था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस 400 नंबर के पेपर में हम कितना मार्क्स लाएंगे कि हमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी या हमारा टॉप यूनिवर्सिटी, हमारा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो हमें मिल जाएगा, तो उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली ये रहा आपके सामने आज का COQP 11 यानी जनरल टेस्ट CUT 2023 मास्टर्स के लिए कट ऑफ। ठीक है, देखो इसमें मैंने यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटीज रखे लिखा है कि BHU, DU एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज लिखा है जनरल, OBC, EWS, SCL, ST, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज इसलिए मेंशन किया गया है जिससे आपके माइंड में ये जो बार बार जो एक क्वेश्चन आएगा कि सर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा, ऑफ कोर्स सबका अलग अलग होगा। मैं आपको बता दूं, खास कर जो BHU के इंटरेस्टेड बच्चे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यदि आप एक पर्टिकुलर मैं मार्क्स बताऊंगा उस मार्क्स तक अगर आपका सही होने की उम्मीद रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर दिलवा दूंगा, क्योंकि मैं बताया था कि पीछे कई सारे कोर्सेज पर्टिकुलर कोर्स से ही रन करते हैं। आपका जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको कॉन्शियस रहना है, ओ भाई मुझे ये वाला फॉर्म भरना है, आप अगर गलती कर गए तो आपको BHU नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये 70 जो जनरल के लिए मैंने लिखा है BHU में, ये बस मैं एक कोर्स को लेकर नहीं लिखा हूं, लगभग मैं जो इसमें 7-8 कोर्सेज आ रहे हैं सबके लिए मैंने जनरलाइज करके लिखा हुआ है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कटा तो सबका अलग अलग आएगा, जैसे MBMIR का अलग आएगा, IRTM का अलग आएगा, MASCOM का अलग आएगा, एंथ्रोपोलॉजी का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सबको जनरलाइज कर दिया है कि 70+ सही करने पे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 70 सही करने पे आपको यहाँ पे 100% एडमिशन मिलने की उम्मीद है। 70 आप हो, अगर जनरल हो 70 सही किए हो, तो ऐसे में आपको BHU में ये बाकी के जो भी 9-7-8 कोर्सेज है किसी न किसी में एक में एडमिशन जरूर मिल जाएगा, आपका जो डिजायर होगा उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे सेफ जोन है। उसके बाद अगर OBC की बात करें तो 65, EWS की बात करें तो 72 यानी 72, और SC की बात करें तो 60, और ST की बात करें 55। ध्यान देना ये आपके उस पर्टिकुलर कोर्स का फर्स्ट राउंड कट ऑफ है, ये पहला राउंड का कट ऑफ है, ये मैंने हाई इसलिए लिखा है क्योंकि टॉपर्स की लिस्ट है। बेसिकली जरूरी नहीं है कि जब पहली लिस्ट जारी होती है तो ये पूरे बच्चे जो है वो एडमिशन लेंगे लेंगे। सपोज मान लो कि पूरे कोर्सेज मिला के उन्हें 400 पे एडमिशन देना था, ये 400 बच्चों को क्या करेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे कि आप पेमेंट करो फाइनली एडमिशन ले लो, लेकिन इस 400 में 100 बच्चा ही एडमिशन लेगा, 300 बच्चे DU भाग जाएंगे, अदर यूनिवर्सिटी में भाग जाएंगे। भागेंगे क्यों, क्योंकि वो बच्चे जो है वो BHU में आना ही नहीं चाहते थे, उनके नेटिव यूनिवर्सिटी में कोई नेटिव एरिया कोई यूनिवर्सिटी था वो वहां जाना चाहते थे, या बचपन से वो DU पढ़ना चाहते थे और पर्टिकुलर वो DU के रेंज में ही आते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पहला फर्स्ट राउंड कट ऑफ है ये अपने आप डाउन हो जाएगा, ये डाउन होना तय है, तो ऐसे में पैनिक नहीं होना है, लेकिन ये मैंने सेफ जोन बताया है। सेफ जोन बेसिकली इसलिए बताया जिससे कि आप एक बार कॉन्शियस माइंड से फ्री रिलैक्स फील करो कि हाँ फाइनली मेरा एडमिशन हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। अगर DU की बात करते हैं तो लगभग 70 से 65-65 तक आपको मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इससे भी डाउन होगा, ये फर्स्ट राउंड का टॉप है। OBC की बात करें तो यहाँ पे 60 है, EWS की बात करें तो 65, SC का 55 और ST का 45 यानी 45। ये रहा आपका सही क्वेश्चन होने का जो एक प्रोसेस है कट ऑफ के लिए। लेकिन इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करके अपना मार्क्स निकाल लेना, जैसे कि अब 70 है तो 280 मार्क्स आपको लाने के BHU में किसी भी कोर्स पर एडमिशन मिल जाएगा।
उसी तरीके से बाकी का भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ये नंबर क्वेश्चन सही होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने 100 कर दिया, 70 सही था, 30 माइनस हुआ तो घटा दिए। कहने का मतलब ये है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मार्क्स निकल के आ रहा है वो आपका कट ऑफ है। अब भाई ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दोगे तो बात नहीं बनेगी ना। जैसे कि अब ये वाला बच्चा है, एसटी वाला, 55 में बोला मैं एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपने 45 को गलत ही कर दिया हुआ है, आपका माइनस में तो ढेर सारा जा रहा है, लेकिन फिर भी इनका जो माइनस का प्रोसेस है वो 1/4 है, काफी कम है, तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। बेसिकली अगर मैं आपको एक लास्ट में उम्मीद रखने का कट ऑफ दूं कि हाँ भाई इतना अगर आप ले आते हो तो आपका सही हो जाएगा, तो वो है यहाँ पे 45 एडमिशन होने की उम्मीद है। ये 45 आपका सेफ जोन लास्ट कट ऑफ है मेरे हिसाब से, अगर 45 के आसपास आप सही करके आए हुए हो, ठीक है। ये 45 को मल्टीप्लाई कर लेना 4 में, क्योंकि ऐसा नहीं 45 सही क्यों 55 गलत, ढेर सारा माइनस भी हो जाएगा, मतलब आपका लगभग 50 सही होना चाहिए, 5 के हिसाब 5 अगर ठीक है, मतलब आप कैलकुलेट कर लो उसे कि लगभग मतलब 45 को मल्टीप्लाई करके जो मार्क्स आता है आप उसको समझो बेसिकली, ठीक है। तो ये इतना अगर मार्क्स ले आ रहे हो तो आपका एडमिशन होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो आप जरूर देखोगे और इस वाले कट ऑफ से कंपेयर कर सकोगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं कि कौन ऐसा बच्चा है जो इन सभी नंबर्स में से सही करके आया हुआ है, जिससे कि हमें भी आइडिया लग सके कि हाँ बच्चे सही कितना करके आया। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, यदि आपको दर्द है, पीड़ा है, दुख है, तो आप एनटीए को ट्वीट जरूर करें कि आपने जनरल पेपर का पेपर एसएससी वालों से मांग के क्यों दे दिया, हमें चाहिए था जनरलाइज्ड पेपर लेकिन आपने हमें दे दिया मैथ, ये हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। इस अन्याय के लिए आप आवाज उठाओ। हम ऑलरेडी ट्विटर डाल चुके हैं, कमेंट पिन उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर रिट्वीट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर सब्सक्राइब करना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक ऑफिसियल और ऑफिसर नए वीडियो मिलने वाला है। ओके, हर हर महादेव, मिलते हैं इस वीडियो में। ओके, बाय बाय।